ठीक है टू पास डेटा है रीजन एशिया का मिड मॉक दिस इज कॉल्ड द मॉक इज द दिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस ठीक है ये मिड अपर आर्म सर्कमफ्रेंस जो है दिस इज कॉल्ड द मॉक फॉर लो लैंड चिल्ड्रन ऑफ द सेम एज इन सेम कंट्री द हाइट चेस्ट मीन्स आर कंसिडर टू बी 90 58 एंड द 16 रिस्पेक्टिवली Test the hypothesis. अब हमने क्या करने है? Check करना है चेक करना है? है और हमने क्या वेरिएबल्स किया है उन चिल्ड्रन का क्या चेक किया हाइट चेस्ट एंड दॉक अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं हाइपोथसिस टेस्ट करने है सेम मीन्स और ये आपको क्या दिया हुआ है दिस इज दी Population means. Now the first step is the construct the hypothesis. Mu equals to 90, 58, 16. mean hai, mean hame given. This is the population mean predefined value. And h1 mu is not equals to the predefined value, mu naught. The second step is the level of significance. Use alpha given 0.05. This is the level of significance.

मॉक का सम 87 x1 स्क्वायर x2 स्क्वायर x3 स्क्वायर रॉ डेटा है ये हम इजीली निकाल लेंगे नाउ दिस इज द मल्टीप्लिकेशन x1 x2 x1 x3 x2 x3 सो so, x1 x1 सैंपल मीन क्या होगा सम ऑफ x1 ओवर n सम ऑफ x1 आ गया सिमिलरली x2 x3 फाइंड कर लिया तो मीन वैक्टर सैंपल मीन वैक्टर हमारे पास फाइंड हो गया म्यू नॉट गिवन है तो एक्स बार माइनस म्यू नॉट ये हमने कॉलम फाइंड कर लिया एक्स बार माइनस म्यू नॉट की वैल्यू आ गई है एस वन वन यानी हमारे पास अब ये क्या आ रहा है बेसिकली वेरियंस एस वन वन विच इज इक्वल टू एस वन स्केर दिस इज द दियंस वेरियंस का फॉर्मूला क्या है वन ओवर एन माइनस वन एक्स वन स्क्र फाइंड किए थे जस्ट हमने वैल्यू एंटर किए एस वन वन की वैल्यू आ गई सिमिलरली एक्स टू टू एस टू टू विच इज इक्वल्स टू एस टू स्क्र दिस इज दियंस वेरियंस का फॉर्मूला आपके पास है हमने वेरियंस भी डिटर्मिन कर लिया देन एस थ्री थ्री s33 की भी हमारे पास सारी वैल्यूज हमने फाइंड की हुई है उसमें हमने एंटर कर दिया s12 व्हिच इज इक्वल्स टू s21 अब ये क्रॉस प्रोडक्ट आंसर है ना तो x12 व्हिच इज इक्वल्स टू x21 ये आपके पास x12 है और अगर है मैं x21 कहूंगी तो उसमें क्या फर्क पड़ेगा x2 और x1 हो जाएगा कोई फर्क तो है नहीं इसमें ये वैल्यूज भी हमने डेटा से फाइंड की हुई है उस वैल्यूज को हमने एंटर करके S12 की वैल्यू आ गई है देन S13 की वैल्यू एंड S23 की वैल्यूज आ गई हैं दिस इज द S वेक्टर सैंपल वेरिएंस कोवेरियंस मैट्रिक्स आपके पास ये सारी वैल्यूज डिटरमिन कर ली हैं जस्ट हमने वैल्यूज एंटर की किए नाउ फाइंड द S इनवर्स दिस इज द S 3 बाय 3 है आपके पास 3 बाय 3 थ्री बाय थ्री का इन्वर्स फाइंड करना है थ्री बाय थ्री का इन्वर्स आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हो या आप उसको एक्सेल से फाइंड करते हो यहां पे मैं आपको बता रही हूँ कि हम एक्सेल से कैसे थ्री बाय थ्री का फाइंड कर रहे हैं इनवर्स अब आप देखो ये हमारे पास है एक्सेल की शीट दिस इज जो आपके पास एस गिवन है वेरियस को वेरियंस है वो एस गिवन है अब मैंने इसको क्या किया आपने जहां इसका इनवर्स फाइंड करना है ना जैसे ये थ्री बाय थ्री है आपने सबसे पहले इसको हाईलाइट कर लेना हम इसका इन्वर्ट्स लेके जाना चाह रहे हैं हम यहां इसका इन्वर्ट्स रखना चाह रहे हैं इसका फाइंड करके यहां उसकी वैल्यू आ जाए तो सबसे पहले आपने हाईलाइट करनी है वो स्पेस आपने हाईलाइट कर ली हाईलाइट करने के बाद आप यहां पे लिखोगे फर्स्ट फैक्टर में आपने लिखा इक्वल्स टू एम इनवर्स मल्टीवेरिएट है ना एम इनवर्स हमने एम इनवर्स कर लिया जब जैसे आप एम इनवर्स लिखोगे ना वो आपसे खुद पूछेगा कि किसका निकालना है तो देन आपने ये सारी वैल्यूज ये जो आपके पास है ना ये वैल्यू इसको आपने हाईलाइट कर लेना है हाईलाइट करने के बाद उसने खुद ही ले लिया है ए टू टू सी फोर यानी ए टू से लेके हमने सी फोर के एम इनवर्स निकालने देन ब्रैकेट क्लोज किया अच्छा अब डायरेक्ट एंटर नहीं करना हमने इसको एंटर करने, है शिफ्ट इसको एंटर करने है आपने शिफ्ट कंट्रोल एंटर तीनों एक साथ चीज आएंगी कैसे शिफ्ट प्लस कंट्रोल एंड देन एंटर ये आप एंटर करोगे तो आपके पास एस इनवर्ट्स की एक्सेल पे वैल्यूज फाइंड हो जाएंगी तो आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हो डायरेक्ट एक्सेल से भी फाइंड कर लेते कैसी हो कैसीओ का अगर आपके पास कैलकुलेटर है तो आप कैसीओ के कैलकुलेटर से उसको डायरेक्ट फाइंड कर लो मेन्यू में जाओगे देन आपके पास मेट्रोसेस की ऑप्शन आएंगे मेट्रोसेस में जाओगे देन आपके पास वो पूछेगा ए बी सी थ्री बाय थ्री करना है फोर बाय फोर करना है तो आपको इजीली कैलकुलेटर भी निकाल के देगा बट एक्सेल से आसान है ज्यादा तो आप एक्सेल से फाइंड कर लो अब हमारे पास ये सारी वैल्यूज फाइंड हो गई हैं देन हमने जस्ट इसको पुट किया पुट करने के बाद इस सारे फैक्टर को जब हम सिंपलीफाई कर रहे हैं तो टी स्क्वायर की वैल्यू डिटरमिन हो गई टी स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 420.439 ये हमारे पास कौन सी आ गई कैलकुलेटेड वैल्यू नाउ द क्रिटिकल रीजन दिस इज द फिफ्थ स्टेप क्रिटिकल रीजन हमने इसको किससे कंपेयर करना है अब टी को ये आपके पास है टेबल वैल्यू पैरामीटर अब पी कितना है आपके पास थ्री वेरिएबल्स थे थ्री डायमेंशन तो पी थ्री है एन माइनस पी एन विच इज इक्वल्स टू सिक्स एंड पी इक्वल्स टू थ्री सो एन माइनस पी विच इज इक्वल्स टू थ्री इंटू थ्री एल्फा क्या था जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट जीरो टू फाइव तो हमारे पास टेबल है थ्री एंड थ्री ठीक है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे पास वन न्यू वन हमारे पास थ्री एंड न्यू टू थ्री फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री नाइन दिस इज फिफ्टीन पॉइंट फोर थ्री नाइन और ये सम कॉन्स्टेंट जो इसे मल्टीप्लाई हो रहा है वो हमने मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनल रिजल्ट आ गया सेवेंटी सेवन पॉइंट वन नाइनटी फाइव टी कितना था फोर हंड्रेड समथिंग four hundred twenty. A t square calculated value is greater than the critical value, so we reject H naught at five percent level of significance.